माननीय अध्यक्ष जी, मान्य सदस्य बहुत वरिष्ठ भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, क्या ये बाउंसर की स्थिति केवल बंगाल में है? मान्य सदस्य एक मिनट, या बाकी देश में भी है? मान्य मंत्री जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, कोई सदस्य माननीय इस तरीके से बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करेगा। एक मिनट, कोई भी सदस्य माननीय किसी भी सदस्य के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा। माननीय मंत्री महोदय, ये किसी एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं है, ये पूरे देश भर में जो आपने बात उठाई कि क्या मसलमैन का उपयोग किया जाता है, क्या बाउंसर्स का उपयोग किया जाता है, अगर आप मेरे पहले उत्तर को ध्यान से सुना होगा तो उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत प्री पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। 100 घंटे का मॉड्यूल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने तैयार किया उसको पास करके रिकवरी एजेंट्स नियुक्त किए जाते हैं, और नियुक्त करने के बाद भी उनको ड्यू नोटिस देने के बाद रिकवरी करनी होती है। हर बैंक ने ओम्बुड्समैन अपने राज्य पे लगाया है, और उसको चार तरह के, सबसे पहला है कि कंप्लेंट अगर किसी को करनी, किसी ने पैसा नहीं दिया, बैंक सुनवाई नहीं करता है, तो स्थानीय बैंक पे उसको पहले एक अपनी कंप्लेंट देनी है। स्थानीय बैंक अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तब वो वहां पर जा सकता है, स्थानीय बैंक उसको रिजेक्ट कर देता तब भी वो ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है, उसके खिलाफ निर्णय करता तब भी वो ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है, और ओम्बुड्समैन के पास इतनी पावर है कि वो 20 लाख रुपए तक का फाइन बैंक के ऊपर लगा सकता है। ये पूरा इसमें बड़ा क्लियर गाइडलाइंस में दे रखा है, और किसी मसलमैन को नियुक्त करने की किसी को कोई अधिकार नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 श्री जगदम्ब पाल। 130 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि बहुत दिनों बाद सदन में 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस सदन में हम आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। समय बहुत कम है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश के तमाम राज्यों में जो बौद्ध परिपथ है या बौद्ध सर्किट है, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता भी है, और प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से बौद्ध दर्शन को आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है, अंगीकार कर रही है, उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध परिपथ का विस्तार क्या देश के अन्य राज्यों में किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बौद्ध परिपथ के या बौद्ध धर्म से या बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए चार महत्वपूर्ण स्थान हैं, वाराणसी में सारनाथ, कुशीनगर और कपिल वस्तु उनका जन्म स्थान, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जहां पे वो बसंत ऋतुमास में रहा करते थे, तो उत्तर प्रदेश बोध गया तो महत्वपूर्ण है। तो इन पांचों को मिला करके हम लोगों की मांग इसके पहले भी थी कि जब एक तरफ बौद्ध परिपथ का विकास कर रहे हैं तो जो बाहर से तमाम दुनिया के मुल्क बौद्ध धर्म को मानते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, बैंकॉक या इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, तो ये जो इनके पर्यटक आते हैं, कोरिया हो, तो इनके आने के लिए एक कनेक्टिविटी की बात कि बौद्ध परिपथ का निर्माण क्या बोध गया या कुशीनगर और सारनाथ, कपिल वस्तु, श्रावस्ती को लखनऊ से जोड़ने का 4 लेन का कोई प्रस्ताव है, और इनकी मांग शुरू से रही है कि बौद्ध के जो आने वाले लोग हैं उनको एयर कनेक्टिविटी हो या पवन हंस। कुशीनगर में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, सारनाथ में है, श्रावस्ती में छोटा है, बोध गया में बड़ा है, तो क्या एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे? ये तो जो उत्तर आया है, ये तो 33-33 करोड़ हमारी सरकार ने उन स्थलों के विकास के लिए दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को मोदी सरकार का धन्यवाद उन्होंने किया है, करना भी चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कपिल वस्तु उसमें शामिल है, और जो उन्हें दूसरा प्रश्न पूछा है उसमें मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बौद्ध परिपथ सांची, सतना, रीवा, मंदसौर और धार का विकास, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ है उसमें श्रावस्ती है, कुशीनगर है, कपिल वस्तु है, बिहार में बोधगया, बिहार माया सरोवर का पश्चिमी तट, गुजरात में स्वदेश तट, मुझे लगता है गुजरात में है, आंध्र में है, बौद्ध सर्किट इन 5 राज्यों में है। रहा सवाल विकास का, जो बात आपने पूछी है, जहां कनेक्टिविटी का सवाल है, तो हमारे, मैंने पहले भी प्रश्न में कहा है कि उत्तर में कहा था कि वाराणसी गया, वाराणसी गोरखपुर कुशीनगर, कुशीनगर गया और गया कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको अपडेट कर रहा है। जो आपने लखनऊ से जोड़ने की बात कही है वो बात मैं हमारे एनएचआई के मंत्रालय को उसको पहुंचाऊंगा।
दूसरी बात जो आपने हवाई सेवाओं की बात कही है, उड़ान योजना के तहत एक योजना बनी हुई है, उस पर क्रियान्वयन चल रहा है, जैसे ही वो होगा मैं आपको जानकारी दूंगा। माननीय सलिमेंट शॉर्ट, बहुत छोटा सा, कपिल वस्तु में एक राष्ट्रीय संग्रहालय बना हुआ है जिसमें बहुत दिनों से जो पर्यटक आते हैं, जो बुद्ध का अस्थि कलश है, कॉस्केट है, वो दिल्ली में रखा हुआ है और दो हैं, तो उसका एक बहुत दिनों से प्रस्ताव है कि वो अगर कपिल वस्तु जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है उस राष्ट्रीय संग्रहालय में जो अपना भारत सरकार का है उसमें अगर रखा जाए तो निश्चित तौर से उस परिपथ पे आने वाले लोगों को वहीं पे दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो क्या माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे? अध्यक्ष जी, इसमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी योजना राज्य सरकार की भी मंशा होगी तो उसको मंत्रालय विचार करेगा।